आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है। मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। कहीं से बस नहीं चल पा रहा है तो मैं ही मिल गई। कैसे चल रही है, ऊपर कैसे हो जा रही है, पूरा टीम बैठा के एक गेम करो दिन। क्यों आप में दम नहीं है क्या, आप में दम नहीं है क्या सामने आने की? ये सारे लोग ना, ये जो आप कर रहे हैं, ये एक आदमी नहीं कर सकता है, बुजदिल लोग कर सकते हैं। मेरा हर किसी ने नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और आप लोग भी जानते हैं, ये जो ऐसे ऐसे जो चलता है ना, वो में से नहीं हूं मैं, वैसी लड़कियों में से नहीं हूं मैं, और समझना भी नहीं। भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार अक्षरा सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर एमएमएस की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। इस एमएमएस को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है, यहां तक कि इस एमएमएस को लेकर अक्षरा सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अक्षरा सिंह फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है। वीडियो में अक्षरा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और वो लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही है कि हमें बदनाम मत करो। चलिए हम आपको बताएंगे कि इस एमएमएस वीडियो का पूरा सच क्या है। बीते दिनों ऐसी खबरें आईं कि अंजलि अरोड़ा के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का एमएमएस लीक हो गया है। ये खबर सोशल मीडिया पर ऐसे छाई कि हर कोई इस एमएमएस की चर्चा कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एमएमएस लीक की खबरों के साथ साथ अक्षरा सिंह का एक रोते हुए वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर यह कहा गया है कि अक्षरा एमएमएस लीक होने के बाद से बहुत परेशान चल रही हैं, जिसकी वजह से वो खूब रो रही हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही अक्षरा सिंह का रोने वाला वीडियो वायरल हुआ तो हर तरफ लीक एमएमएस की चर्चा तेज हो गई। लेकिन सच ये है कि अक्षरा सिंह का कोई भी प्राइवेट वीडियो लीक ही नहीं हुआ है। अक्षरा का रोने वाला वीडियो 2 साल पुराना है। इसे यूट्यूब पर मोज म्यूजिक भोजपुरी नाम के एक चैनल पर एक्ट्रेस का वीडियो शेयर किया गया था, जिसे शेयर करते हुए लिखा गया है कि अक्षरा सिंह का एमएमएस वीडियो वायरल हुआ है। इस रोने वाले वायरल वीडियो में भोजपुरी एक्ट्रेस हाथ जोड़े नजर आ रही हैं और बुरी तरह से रो भी रही हैं। वीडियो में अक्षरा सिंह कह रही हैं कि मुझे परेशान करके रख दिया है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझे हमेशा ही पसंद करेंगे, फिर चाहे मैं कहीं भी जाऊं और कोई भी काम क्यों ना करूं। आप बड़ा नाम है तो अपना काम कीजिए, चेहरे पर नकली मुखौटा लगाकर क्यों घूम रहे हैं? ये गंदगी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों है? सब लोग एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हैं? वहीं एक मीडिया से बात करते हुए अक्षरा सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जिसको जो करना है वो करें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।